गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू। जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि जो करंट जनरेशन है, जैसे हम, हमारा भी फायदा हो और साथ में फ्यूचर जनरेशन का भी फायदा हम ध्यान में रखें। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन जो है रेनी विलेज गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, हिमालयाज की ऊंचाई पे है। 1970 में ये शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। और ये किस लिए था? ये पेड़ों को काटने से रोकने के लिए था। लोग पेड़ों के साथ चिपक गए थे, लोकल विलेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्प्यूट था, पेड़ों को काटने नहीं देना चाहते थे लोग। गांव के सभी आदमी बाहर गए हुए थे, सिर्फ औरतें ही गांव में थी। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के लोग आए पेड़ काटने के लिए, सारी की सारी औरतें पेड़ों के साथ चिपक गई। और इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों से पेड़ों को बचाया, पेड़ों को काटने नहीं दिया उन्होंने। अब वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सकता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें, और जीन पूल को प्रिजर्व करने के लिए भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जरूरी है। अब हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसमें टोटल बैन हो एनिमल्स को पकड़ने पे या उनको किल करने पे। एनिमल्स हो चाहे बर्ड हो, एंडेंजर्ड स्पीशीज वाले तो बिल्कुल ही नहीं, ना उनकी पोचिंग होनी चाहिए ना कैप्चरिंग होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट इसमें है कि नेचुरल हैबिटेट जो है एनिमल्स और बर्ड्स का, वो एज ए नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए या सेंचुरीज की फॉर्म में थ्रू आउट द कंट्री, ताकि हम उनको प्रिजर्व कर सकें, उनके नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल फॉर्म में प्रिजर्व कर सकें। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, उनको पीरियोडिक सर्वे करना चाहिए सभी फॉरेस्ट का, नेशनल पार्क्स का, सेंचुरीज का, ताकि उनको ये पता चले कि सभी स्पीशीज की, वाइल्ड एनिमल्स की, बर्ड्स की पॉपुलेशन कितनी है। जब ये पॉपुलेशन सर्वे किया जाएगा पीरियोडिकली, तो अगर किसी एनिमल या बर्ड की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई होगी तो भी पता चल जाएगा, और इंक्रीज हुई है तो वो भी पता चल जाएगा। फिर स्पेशल अटेंशन किस चीज की तरफ देना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ताकि उनकी एक्सटिंक्शन ना हो जाए, ताकि वो लुप्त ना हो जाए। लुप्त होने के कगार पे होती हैं कुछ स्पीशीज, उनका खतरा होता है अगर उनकी ज्यादा पोचिंग किलिंग हुई तो वो खत्म ही हो जाएंगी। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान इन स्पीशीज की तरफ ही देना है, ताकि वो लुप्त ना हो जाएं। अब बिना बात के ही पेड़ों को गिराना लकड़ी के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, या फ्यूल वुड यूज करने के लिए, उसको तो एकदम से रोक ही देना चाहिए, तभी जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो पाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे रहा। इसके एग्जांपल्स हैं, लोकल जो पीपल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया किस चीज में? रिवाइवल ऑफ साल फॉरेस्ट। ये स्टोरी है वेस्ट बंगाल की, 1972 की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही एक बहुत ही अच्छे फॉरेस्ट ऑफिसर आए, जिनका नाम था एके बनर्जी। उन्होंने क्या किया, विलेजर्स को इन्वॉल्व कर लिया जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, लोकल पीपल।
फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 1,272 हेक्टेयर्स ऑफ साल फॉरेस्ट। ये साल फॉरेस्ट पूरा का पूरा डिग्रेड हो गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, कमर्शियल पर्पस के लिए इसे यूज कर लिया गया था। तो एके बनर्जी ने लोकल लोगों के साथ मिलके प्लान किया कि इसको दोबारा से कैसे रेप्लेनिश किया जाए। तो उसने क्या किया, जो लोग हेल्प कर रहे थे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट दी सिल्वीकल्चर में, और जो हार्वेस्टिंग ऑपरेशन वो करते थे फॉरेस्ट में उसका 25% उन लोगों को दिया। और उसके बदले वो और भी क्या कर सकते थे, वहां से अपने घरों में जलाने के लिए लकड़ी ले सकते थे, पशुओं के लिए चारा ले सकते थे, और वो भी कब, बहुत ही एक नॉमिनल सी पेमेंट देकर वो अपना काम चला सकते थे। तो लोकल लोगों का भी फायदा हुआ और साथ में वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी हुआ इससे। अब ये एक्टिव और विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल की वजह से क्या हुआ, जो डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट थे अराबरी में, ये कितने टाइम बाद ग्रीन हो पाए, 10 ईयर्स। यानी हमें पेड़ों को गिराने में तो बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन दोबारा से पूरा फॉरेस्ट तैयार करने में देखो 10 ईयर्स लग गए। तो इस तरह से एके बनर्जी की हेल्प से और लोकल जो पीपल थे उनकी एक्टिवनेस एंड विलिंग पार्टिसिपेशन की वजह से साल फॉरेस्ट जो है वो दोबारा से यूं के यूं हरे भरे बन पाए। वाटर एज ए रिसोर्स, पानी जो है हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। लैंड पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, पानी के बिना सर्वाइवल जो है वो बहुत ही मुश्किल है। जो जहां पे पानी की कमी होती है ना, वहां पे गरीबी भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी की कमी हो गई तो वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती, वहां पे खेती नहीं हो सकती, और कोई किसी भी तरह का काम नहीं हो सकता। क्योंकि जिस भी तरह का काम करेंगे, कोई डेयरी फार्म लगाएं या कोई इंडस्ट्री लगाएं, या मान लो कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो आसपास और उसमें ही हम कोई पौधे लगाना चाहें, तो हर चीज के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, और पानी वहां पे है ही नहीं, पानी की कमी है। तो इसलिए वहां पे ये सब चीजें ना होने से गरीबी भी होगी। अब फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, डाइवर्जन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स एंड लेस रेन। अब ये वाटर अवेलेबिलिटी जो है कम होने की वजह से क्या हुआ, जो वेजिटेशन कवर था पूरी लैंड पे वो कम हो गया, और पानी की जो हमने क्या किया कि ऐसी क्रॉप्स को उगाया जिनको उगाने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि धान। धान को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, उसमें पानी खड़ा रखना पड़ता है कई दिनों तक। और फिर एक और कारण क्या रहा, बारिश भी कम हुई, तो इस वजह से पानी की जो है वो स्केयरसिटी यानी कमी हुई। अब इरिगेशन मेथड जैसे कि डैम्स हैं, टैंक्स हैं, ये यूज करते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और इनका भी जुडिशियस यूज करना चाहिए हमें इन वाटर रिसोर्सेज का भी। एडवांटेजेस क्या है डैम्स की, सबसे पहले हम डैम्स करते हैं। डैम में क्या होता है कि बहुत ऊंची एक दीवार सी बना दी जाती है और पानी को रोका जाता है उसकी एक साइड पे, और इस पानी को फिर हम कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और डैम से फायदा क्या होता है कि पूरा साल पानी पौधों के लिए, खेतों के लिए हमें मिलता रहेगा, और उससे क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी क्रॉप की जो यील्ड है वो इंक्रीज होगी। डैम से जो पानी है उसको लोकल टाउन्स और सिटीज में भी पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जा सकता है आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट। इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है
इससे क्या फायदा होता है कि इट एंश्योर्स कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इन द रीजन वेयर डैम्स आर बिल्ट। अब और क्या फायदा है डैम्स का, जो पानी ऊपर से जब गिरता है ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो ये टर्बाइंस को मूव करता है, और जैसे ही टर्बाइंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं डैम्स की। सबसे पहला तो इसमें सोशल प्रॉब्लम ही है। अब ये हाई राइज डैम्स मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा वो बना देते हैं, पूरे आसपास के एरिया में क्या होता है, पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से क्या है कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी वहां से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी होगी। अब जब हम हाई राइज डैम्स बनाते हैं तो उससे उस आसपास के एरिया में पानी ही पानी भर जाता है, तो वहां पे जो भी फॉरेस्ट थे या जो बायोडाइवर्सिटी थी वो खत्म हो जाती है ना। तो डिफोरेस्टेशन हो जाएगी और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। बहुत ही जो वास्ट वैरायटी है फ्लोरा एंड फौना की वो पानी में ही डूब जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये हो गई हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इन प्रॉब्लम्स के साथ फिर जुड़ी हुई है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी। अब कुछ पीपल जो हैं, कुछ जो लोग हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी इन डैम्स की कंस्ट्रक्शन में ही लगा देते हैं और बेनिफिट इतना ज्यादा होता नहीं है, तो इस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी। अब जैसे सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया, लोग इसका विरोध कर रहे थे। जिन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है उनको दिक्कत तो होती ही है, और दिक्कत के साथ साथ फिर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी फेस करनी पड़ती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो पानी है जैसे रेन वाटर है, रेन वाटर को हम इस तरह से इकट्ठा कर लें कि उसको फ्यूचर यूज के लिए फ्यूचर में उसको यूज किया जा सके। प्राइमरी रिसोर्स ऑफ लैंड को डेवलप करना है टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर यूज इन मैनर विच विल नॉट कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब ये कुछ एंशियंट मेथड्स हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, जैसे खादिन्स, टैंक्स, नाडीज, बंदरस, ताल्स, बंदीज, अहाज, पाइंस, पुल्स, पोंड, एरेस। ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में इनके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, सुरंगम्स, कटास। ये मेथड हैं वाटर हार्वेस्टिंग के। इससे वाटर को हार्वेस्ट करके हम अपनी क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, और इवन पीने के लिए भी रेन वाटर को मेनली हार्वेस्ट किया जाता है। तो खादिन सिस्टम में, जो कि ये सिस्टम ट्रेडिशनल रेन वाटर सिस्टम है, एग्रीकल्चर के लिए वाटर को कंजर्व किया जाता है इसमें, और राजस्थान में ये सिस्टम प्रीवेलेंट है। तो मेन फीचर क्या है इस रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का, इसमें ये देखो, ये दिखा रखा है 100 मीटर से लेके 300 मीटर लंबा ये लैंड पे ही ऐसे एक एरिया बना दिया जाता है, उसके चारों तरफ ऐसे किनारे बना दिए जाते हैं, बंद कहते हैं जिसको, और फिर लो एज जहां पे हो, स्लोपिंग फार्म लैंड हो, वहां पे ऐसे बनाए जाते हैं। फिर रेन वाटर कैचमेंट एरिया से धीरे धीरे फ्लो करता है डाउन द स्लोप, और फिर इसको रोक दिया जाता है। ये इस तरह से ये बांध सा बना दिया जाता है, बंध बोलते हैं इसको, खादिन बंध। इस ये पानी को यहाँ पे रोक दिया,
एक्सेस वाटर क्या होगा, फ्लोज अक्रॉस द बन थ्रू पाथवेज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है और उस स्पेस के थ्रू फिर ये पानी जाता रहेगा। और शैलो वेल्स, इस बन के पीछे हमने ये देखो एक शैलो वेल डग किया है, इस वेल में जा रहा है ये पानी, और ये रेन वाटर अब रिजर्वायर के फॉर्म में स्टोर हो गया, किसमें, वेल में। और स्लोली स्लोली ये कहां सीप करता जा रहा है, इनटू द ग्राउंड, और वहां आसपास की जो लैंड है वहां पे ये पानी वो सैचुरेटेड हो जाएगी विद वाटर, और वहां पे जब हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो हमें ज्यादा पानी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लैंड जो है ऑलरेडी इट इज सैचुरेटेड विद वाटर। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अब कुल्स में ऐसे ही वाटर कंजर्वेशन किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ये मोर देन 400 ईयर अगो से ये प्रैक्टिस जो है वो चल रही है हिमाचल प्रदेश में। कैनाल इरिगेशन सिस्टम है ये, कुल्स कहते हैं। मैन मेड वाटर चैनल्स होती हैं इसमें, और वाटर जो है स्ट्रीम्स में फ्लो कर रहा होता है जो, उसको डाइवर्ट करते हैं थ्रू चैनल्स, और फाइनली इस वाटर को डाउन द हिल बहुत सारे विलेजेस में लाया जाता है ताकि सिंचाई की जा सके इस पानी से। कुल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए है, सिंचाई के लिए, क्रॉप फील्ड में इस पानी को लाया जाता है, और इसको कोई गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रही है, इसको पूरा का पूरा जो विलेजर्स हैं वही मैनेज करते हैं, और इससे उनकी जो क्रॉप है वो अच्छी होती है, पानी मिलता रहता है क्रॉप को, तो क्रॉप की यील्ड इंप्रूव होती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं, ये वाटर हार्वेस्टिंग के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले तो जब हम पानी को इस तरह से कंजर्व करेंगे तो इवेपोरेट नहीं होगा पानी, लॉस नहीं होगा उसका, और रिचार्ज वेल्स हम बनाएंगे जैसे हमने खादिम सिस्टम में बनाया था, तो उससे क्या होगा कि हम वहां पे जो भी क्रॉप ग्रो करेंगे मॉइस्चर मिलेगी, क्योंकि लैंड जो है इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर, और वाटर ऐसे खुले में पानी हो, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मॉस्किटोज के लिए, और जब हम कंजर्व कर लेंगे पानी को रिचार्ज वेल्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जो कवर्ड फॉर्म होगी, तो वहां पे मॉस्किटोज की ब्रीडिंग नहीं होगी, और मॉस्किटोज की ब्रीडिंग नहीं होगी तो मॉस्किटोज से होने वाली बीमारी जैसे डेंगू मलेरिया इनसे भी हमारा बचाव होगा, और ग्राउंड वाटर जो है ये भी प्रोटेक्टेड रहेगा किस चीज से, फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा पानी में ऐड हो जाता है अगर ऐसे खुला पानी हो तो, और जब हम वेल्स में इसको इकट्ठा कर लेंगे, कंजर्व करेंगे, अंडरग्राउंड हम कंजर्व कर रहे हैं तो किसी तरह की कंटेमिनेशन भी नहीं होगी पानी में। अब हम करते हैं हमारे और फॉसिल फ्यूल्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन कैसे करें, क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं और कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे कोल पेट्रोलियम, कोल जो है सबसे पहले हम कोल करते हैं, कोल और पेट्रोलियम ये कहाँ अवेलेबल होते हैं, अर्थ की क्रस्ट में, और ये नॉन रिन्यूएबल और जैसे अभी मैंने बताया कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। कोल कंबस्टेबल फॉसिल फ्यूल है, रॉक से डिराइव किया जाता है इसको, और प्लांट रिमेन्स, प्लांट फॉसिल्स जब कंप्रेस हो जाते हैं तो वो कोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। और कोल किस पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर कुकिंग, हीटिंग, इंडस्ट्री में, और थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल को यूज किया जाता है। अब पेट्रोलियम, ये बॉम्बे हाई का दिखाया हुआ है यहाँ पर, बॉम्बे हाई से सी के अंडर
वेल डग किए हुए हैं और वहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम दूसरा फॉसिल फ्यूल है, ये लिक्विड ऑयल अवेलेबल होता है और ये 10 to 20 crore ईयर्स अगो जो एनिमल या प्लांट रिमेन्स थे वो अर्थ में दब गए और दब के वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं सेडिमेंटरी रॉक्स में। पेट्रोलियम को हम किस लिए यूज करते हैं? फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में भी यूज किया जाता है, जनरेटर भी इसी की हेल्प से पेट्रोलियम डाल के ही चलाते हैं और इंडस्ट्रीज में भी पेट्रोल का यूज होता है। अब फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है कि हमें अपना प्राइवेट व्हीकल ना यूज करके हमें पब्लिक व्हीकल यूज करना चाहिए, जैसे कि बस। और अगर हम प्राइवेट भी यूज कर रहे हैं तो कार को पूल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे जाएं जिन्हें एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उससे हमारा फ्यूल सेव होगा। फिर हम बल्ब की बजाय एलईडी यूज करें, एलईडीज में कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, बल्ब में ज्यादा। फिर हम लिफ्ट यूज करते हैं, थोड़े से भी हमें सीढ़ियां चढ़नी हो तो इसके बजाय हमें सीढ़ियां चढ़ के जाना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ने से बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, हम हेल्दी भी रहेंगे और साथ में फ्यूल भी बचेगा। फिर जो वेयरिंग एक्स्ट्रा स्वेटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हीटर, हम क्या करते हैं गर्मियों में, हम गर्मियों में तो हम एसी यूज करते हैं और सर्दियों में हम हीटर यूज करते हैं। हीटर भी एसी भी किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं ये। तो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्दियों में हीटर ना यूज करके हम स्वेटर पहने और हम एसी को बीच बीच में जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए उसको हम बंद करते रहें। इस तरह से हम फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन ही एक तरीका है इनको बचाने का, क्योंकि ये एडजस्टेबल रिसोर्सेज हैं और कुछ टाइम बाद खत्म भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।